मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के महिला मेडिकल और डायलिसिस वार्ड में पानी सप्लाई के लिए लगाए गए पंप 3 दिन से खराब चल रहे हैं, जिसका खामियाजा वार्ड में भर्ती मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आए दिन पंप यहां खराब होता है और अस्पताल में पानी सप्लाई भी बंद हो जाती है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को शौचालय और अन्य कामों के लिए भी पानी खरीद कर यहां पर लाना पड़ रहा है। स्थिति ये बन चुकी है कि जिन भर्ती मरीजों के घर अस्पताल के नजदीक है वो अपने घर में जाकर शौच और स्नान कर रहे हैं, तो वहीं पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से अस्पताल के शौचालय और स्नान घर में गंदगी पसरी हुई है। हम लोग को पानी की समस्या बहुत है, मतलब कि आज 3 दिन से पानी नहीं है। टॉयलेट जाने से बाहर में जाके टॉयलेट कर रहे हैं, बाहर से पानी खरीद के पी रहे हैं। बताइए ना, इतना समस्या है, हम लोग को इस समस्या का हल होना चाहिए। यहाँ पानी मतलब 2 दिन से नहीं आ रहा है, तो मतलब हो गया आज तीसरा दिन से पानी का सुविधा नहीं है। पानी का बहुत दिक्कत है, बाथरूम में पूरा गंदगी है। बाथरूम में जाके देख सकते हैं, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाथरूम के लिए बाहर से पानी ला के बाथरूम गए। आज वो समस्या को दूर कर लिया गया है। मोटर जल गया था, अभी माननीय विधायक जी से ही मेरी चर्चा हुई, उसमें हम लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं कि एक एडिशनल टैंकर वो हमेशा 2400 घंटे वहाँ पर उपस्थित रहेगा कि